भारतीय फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टरों को बिना इजाजत नेपाली सीमा को पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2-4 साल बाद नेपाल इन हेलीकॉप्टरों को या फाइटर प्लेनों को मार गिरा सकता है, क्योंकि नेपाल के पास में चीन की बहुत सारी एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद है। चीन ने नेपाल को एंटी एयरक्राफ्ट गन दे रखी है, जानिए पूरी डिटेल। नमस्कार दोस्तों, भारतीय एक हेलीकॉप्टर नेपाली सीमा में घुस गया, तो क्या हुआ इस पर नेपाल में खूब हंगामा चालू हो गया है। ठीक है, तो जानते हैं क्या है इसका इतिहास। और दोस्तों एक तरफ से बात करेंगे कि चीन ने नेपाल को कब एंटी एयरक्राफ्ट गन दी, नेपाल भारतीय फाइटर प्लेनों को मार गिरा सकता है या नहीं मार गिरा सकता है, लगभग पूरी डिटेल। तो दोस्तों 1943 में अंग्रेजों ने पहली बार कोशिश की थी कि भारतीय फाइटर प्लेन, भारत की जो वायुसेना है ये 1932 में बन गई थी, और 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक जो हुआ उसमें भारतीय एयरफोर्स ने बढ़िया से बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। तो हिमालय को पार करना चाहते थे अंग्रेज लोग अपने फाइटर प्लेनों से। दोस्तों उस समय के फाइटर प्लेन बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी के होते थे, फिर भी अंग्रेजों ने कोशिश की कि वो हाई एल्टीट्यूड यानी हिमालय को पार करना चाहते थे, लेकिन उस समय वो सफल नहीं हुए। तो मान सकते हैं कि भारतीय फाइटर प्लेन नेपाल में घुसते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि 1959 में भारतीय फाइटर प्लेन नेपाल में गया था, तो बीपी कोइराला ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था। तो दोस्तों केवल उस समय बीपी कोइराला ने ही विरोध किया था, इसके बाद भारतीय फाइटर प्लेन हेलीकॉप्टर नेपाल की बिना इजाजत के नेपाल में हमेशा से ही जाते रहते हैं, और ये बातें आम समाचार में बहुत कम आती है। ठीक है, लेकिन जब से सोशल मीडिया हो गई है तब से ये बातें ज्यादा आने लग गई है, और 2007 के बाद ज्यादा तेज ये बातें होने लग गई कि भारतीय फाइटर प्लेन हेलीकॉप्टर बिना इजाजत के नेपाल में घुस जाते हैं। 2014, 15, 17, 18 में कभी कभी भारतीय फाइटर प्लेन बिना नेपाल की इजाजत के नेपाल में घुसे हैं, और मेरा मानना है कि भारतीय सेना को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की सोवरेनिटी का ख्याल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब नेपाल के साथ में हमारे वो रिश्ते नहीं हैं जो पहले थे। और दोस्तों किसी भी देश की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार करना जरूरी होता है, इसलिए भारत को कभी भी अपने फाइटर प्लेन बिना नेपाल की इजाजत के नेपाल में नहीं भेजने चाहिए। और दोस्तों ये हमेशा होता आ रहा है, भारतीय फाइटर प्लेन नेपाल में घुस जाते हैं। हम आज से नहीं, बहुत समय से ये समाचार देखते आ रहे हैं। हर साल 1.5 साल में भारत ऐसा कर देता है, जो कि नहीं करना चाहिए। इस बार भारतीय हेलीकॉप्टर नेपाली सीमा में घुसा, तो नेपालियों का कहना है कि जयसिंह धामी की वो खोजबीन करने के लिए नेपाली ड्रोन को भारत ने नहीं उड़ने दिया, तो हम क्यों भारतीय हेलीकॉप्टर नेपाली सीमा में उड़ने देंगे। दोस्तों बात भी सही है, भारत को नेपाली ड्रोन उड़ने देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों उसकी कुछ और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि भारत को लगता है कि नेपाल हमारे यहाँ की सूचनाएं एकत्रित करके चीन को देगा, और ऐसा दोस्तों हो भी सकता है। हम ये नहीं कहते कि नेपाल नहीं देगा, क्योंकि नेपाल में अब चीन के बहुत सारे आदमी घुस चुके हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि नेपाल में सभी देशों के दलाल मौजूद हैं, अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, ठीक, यूरोप, सभी देशों के दलाल मौजूद हैं नेपाल में। आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सच है ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। अब देखते हैं कि नेपाल चीन या नेपाल भारतीय फाइटर प्लेन हेलीकॉप्टरों को मार गिरा सकता या नहीं। देखिए दोस्तों, आपने 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 तो खैर नहीं देखा होगा, लेकिन हमें अच्छे से याद है कि 1989 में क्या हुआ था कि भारतीय समाचार पत्रों में समाचार आ रहा था कि नेपाल ने बिना भारत से पूछे चीन से एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीद ली, और यूरोप के कुछ समाचार पत्रों ने भी उस समय कहा था कि चीन ने नेपाल को बहुत ज्यादा प्रेशर दिए हैं कि हमारी पुराने एंटी एयरक्राफ्ट जो गने हैं उनको नेपाल खरीद ले,
जिन गनों को चीन ने तिब्बत में लगा रखा था, क्योंकि चीन ने उस समय उन गनों को हटा के एंटी एयरक्राफ्ट जो पुराने मॉडल की गन है उनको हटा के वहां पे नए मॉडल की नई टेक्नोलॉजी की कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन रखी। तो दुनिया के समाचार पत्रों का कहना था कि चीन ने नेपाल पर दबाव दिया और नेपाल से खरीदवाए एंटी एयरक्राफ्ट गन, और भारतीय समाचार पत्रों का कहना था कि नेपाल ने बिना पूछे भारत से बिना पूछे क्यों हथियार खरीदे चाइना से। दोस्तों कोई ऐसी धाराएं हैं, धारा एक या आठ है, कुछ ऐसे ही है, जिसके अंतर्गत नेपाल बिना भारत से पूछे हथियार नहीं खरीद सकता है। तो दोस्तों ये धारा तो खैर गलत है, अपने अपने देश की सुरक्षा करने का अधिकार सबको होता है, ठीक है। तो मैं जरूरी नहीं समझता कि नेपाल को भारत से पूछना पड़े कि हम हथियार खरीदेंगे, क्योंकि अपने देश की सुरक्षा का अधिकार सबको है। और दोस्तों ये भी बात है कि उस समय एक बार राजीव गांधी ने नाकाबंदी भी लगाई थी नेपाल पर, ब्लॉकेट कर दिया था, तो तब जाके नेपाल ने एंटी एयरक्राफ्ट गन चाइना से खरीदी। हालांकि नेपाल ने कहा कि हमने नहीं खरीदी, लेकिन पूरी दुनिया के समाचार पत्रों में आया कि नेपाल ने खरीद लिए। तो मान सकते हैं कि नेपाल के पास में एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद हैं। तो क्या दोस्तों वो जो एंटी एयरक्राफ्ट गन नेपाल के पास में मौजूद हैं तो उससे क्या भारतीय फाइटर प्लेनों को नेपाल मार सकता है, गिरा सकता है? तो दोस्तों बात ये है, देखिए सुपरसोनिक की स्पीड से यदि भारतीय फाइटर प्लेन चलेंगे तो उनको नहीं मार गिराया जा सकता है, चाहे वो 1956 का इम्मी क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन भारतीय फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर जो नेपाल में आते हैं वो बहुत कम स्पीड में आते हैं, क्योंकि वो लड़ने के मकसद से बिल्कुल नहीं आते हैं और बहुत स्लो स्पीड में आते हैं। कभी मौसम खराब हो जाता है तो रूट चेंज करके तब वहां से आ जाते हैं, थोड़ा इधर उधर करके आ जाते हैं, इसलिए नेपाली लोगों को बुरा लग जाता है। तो कम स्पीड में भारतीय फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर आते हैं तो उनको नेपाली सेना मार गिरा सकती है, इतने हथियार हैं नेपाली सेना के पास में कि वो उनको मार गिरा सकती है अगर वो कम स्पीड में आते हैं। लेकिन यदि वो सुपरसोनिक की स्पीड में चल रहे हैं तो उनको मार गिराना संभव नहीं है। हालांकि नेपाल के पास हाथ से खींचने वाली 84 तोपें भी हैं, लेकिन दोस्तों हमने सीधे कह दिया कि अगर स्पीड में आ रहे हैं तो उनको नहीं मार गिराया जा सकता, यदि लड़ने के मकसद से भारतीय फाइटर प्लेन आ रहे हैं। और आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट हैं उनको तो चीन अमेरिका तक नहीं मार गिरा सकते इतनी आसानी से, तो नेपाल कैसे मार गिरा देगा? तो फिलहाल नेपाल के पास में यदि भारत से फाइटर प्लेन लड़ने के मकसद से नेपाल में आ रहे हैं तो नेपाल उन फाइटर प्लेनों को नहीं मार गिरा सकता। दोस्तों ये सही बात है, आपको बुरा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो सही बात है और हमें दोस्तों सच ही बताना है, ठीक है। तो फिलहाल आपकी सेना ने ऐसे कोई हथियार नहीं खरीदे हैं कि भारत के जो स्पीड में फाइटर प्लेन नेपाल में चलेंगे तो उनको मार गिरा दे। लेकिन भारतीय फाइटर प्लेन स्लो स्पीड में चलते हैं नेपाल में, हेलीकॉप्टर वगैरह, तो उनको नेपाली सेना मार गिरा सकती है, ठीक। अब गुपचुप तरीके से नेपाल ने ऐसे हथियार चाइना से खरीदे होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड में ऐसे कोई हथियार इस समय नेपाल के पास में नहीं है जो भारत के फाइटर प्लेन को मार गिरा दे जो लड़ने के मकसद से नेपाल में आए। तो क्योंकि दोस्तों आजकल तोपे भी, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी जो है वो भी नेट से कनेक्टिंग हो गई है, एंटी एयरक्राफ्ट गन को फाइटर प्लेन को देखने की जरूरत नहीं है, नेट से कनेक्टिंग करना है, जीपीएस तकनीक होती है, लेजर सिस्टम जिसको कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार का एक सिस्टम होता है बना हुआ जिससे फाइटर प्लेन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और फाइटर प्लेन को मार गिराया जाता है एंटी एयरक्राफ्ट गन से, क्योंकि ये भी आजकल नेट से कनेक्टिंग हो चुकी है। तो अब मॉडर्न जमाने के हथियार आ चुके हैं और मॉडर्न फाइटर प्लेन को गिराने के लिए मॉडर्न ही हथियार चाहिए। फिलहाल नेपाल के पास में ऐसे कोई हथियार नहीं है कि भारत के फाइटर प्लेन को मार गिरा दे जो लड़ने के मकसद से आए। बाकी तो भारत के फाइटर प्लेन आते रहते हैं तो उनको तो नेपाल मार गिरा सकता है, क्योंकि वो लड़ने के मकसद से नहीं आते हैं और स्लो स्पीड में आते हैं, तो उनको मार गिराने की क्षमता है नेपाल के पास में। और दोस्तों ये राजनीतिक मुद्दा है, फाइटर प्लेन भारत के हेलीकॉप्टर तो पहले से ही आ रहे हैं, अब आजकल क्या हो गया कि नेपाल में जो लिबरल लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है, फिर नेता भी तो बनना है लोगों को। हम आपको बार बार कहते हैं नेपाल में नेता बनना है,
नेपाल में अपनी मीडिया सक्सेस करनी है तो भारत विरोध करना पड़ेगा। जो भारत विरोध करेगा वही नेपाल का सच्चा देशभक्त कहलाएगा। तो नेपालियों की कुछ लोगों की यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की विचारधारा कुछ कम्युनिस्ट टाइप की हो रही है, इसलिए नेपाल में भारत का विरोध हो रहा है। भारत गलत है या सही है ये तो देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है इस बारे में। आप केवल इतना जानिए कि आपकी विचारधारा कुछ कम्युनिस्ट टाइप की हो रही है और कम्युनिस्ट विचारधारा हमेशा से लोकतंत्र का विरोध करेगी ही करेगी। तो पूरी तरीके से भारत को दोष देना सही नहीं है, कहीं ना कहीं नेपाल की गलती भी है। जब 70-80 सालों से फाइटर प्लेन नेपाल में आ ही रहे हैं तो अब विरोध करके क्या फायदा, या फिर कड़े शब्दों में विरोध किया जाए, लिखित रूप में विरोध किया जाए, भारत को अल्टीमेटम दे दिया जाए कि भाई आप अपने फाइटर प्लेन नेपाल में नहीं घुसा सकते हैं, चेतावनी देनी चाहिए। तो नेपाल ने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ जनता सड़क पे उतर जाती है, विरोध करने लग जाती है कि फाइटर प्लेन घुसा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, और ये 2-4 दिन चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, और फिर भारत फाइटर प्लेन घुसाएगा और फिर कुछ दिन विरोध होगा और फिर बंद हो जाएगा और फिर घुसाएगा। ये प्रक्रिया चली रही है 70-80 साल से। अभी कुछ दिन बाद या 1 साल बाद या 1.5 साल बाद फिर आप देखेंगे कि फिर भारतीय हेलीकॉप्टर फाइटर प्लेन नेपाल में घुस गया और फिर 2-4 दिन विरोध होगा। तो ये लगभग चलता आ रहा है, ठीक है।